हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मूवीज कार्ड पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हॉलीवुड की 10 ऐसी बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट जो कि हिंदी में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है और आप इन सभी फिल्मों को बस एक क्लिक में बिल्कुल फ्री में वॉच कर सकते हैं। इन सभी फिल्मों के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड कर दिए है। लिस्ट में नंबर 10 पर मूवी है द मैकेनिक। ये 2011 में आई एक एक्शन थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और 78% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई गई है आर्थर नाम के एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर की जिसके द्वारा किए गए मर्डर्स कभी मर्डर की तरह लगते ही नहीं बल्कि वह एक एक्सीडेंट की तरह समझ जाते हैं और इसीलिए आर्थर को कोई भी पकड़ नहीं पाता। इसके पीछे का कारण है कि आर्थर किसी को भी मारने से पहले उस पर केस स्टडी और एक तगड़ी प्लानिंग करता है, लेकिन किसी कारणवश आर्थर को अपने ही गुरु हैरी को मारना पड़ता है और अब हैरी का बेटा अपने पिता के कातिल को ढूंढकर मारने की कसम लेता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि हैरी का बेटा आर्थर को अच्छी तरह से जानता है, वह उसका करीबी भी है, पर वह ये नहीं जानता कि आर्थर ही उसके पिता का कातिल है। तो अब आगे क्या कुछ होगा ये सब आपको मूवी में देखना है। लिस्ट में नंबर 9 पर मूवी है ऑपरेशन मेकोंग। ये 2016 में आई एक एक्शन क्राइम बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और 83% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई गई है कि मेकोंग नदी पर चल रहे एक व्यापारी जहाज पर हमला होता है और वहाँ पर 13 लोग मारे जाते हैं। अब इन 13 लोगों की लाश के साथ जहाज में ड्रग भी पाया जाता है और इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट एक मिशन की शुरुआत करती है जिसमें एक खतरनाक ड्रग कार्टल गैंग को गिरफ्तार करना होता है। मूवी में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा और ये मूवी भी एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। लिस्ट में नंबर 8 पर मूवी है ओलंपस हैज फॉलन। ये 2013 में आए एक्शन थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। मूवी में हमें कहानी दिखाई गई है माइक बैनिंग नाम के एक सीक्रेट सर्विस एजेंट की जिसका काम होता है राष्ट्रपति और उसकी फैमिली की रक्षा करना, पर एक एक्सीडेंट के बाद माइक को उसके पद से हटा दिया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के झगड़े को लेकर व्हाइट हाउस में चल रही मीटिंग पर कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस के अंदर ही किडनैप कर लेते हैं। अब माइक ही वह बंदा था जो हमले के दौरान लोगों को बचाने के लिए व्हाइट हाउस के अंदर घुस गया था, तो अब माइक पर ही राष्ट्रपति को बचाने की जिम्मेदारी होती है। तो अपने काम को कैसे अंजाम देगा और इस हमले के पीछे आखिर किस कंट्री का हाथ है जिसने अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री के व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लिया, ये सारी की सारी चीजें आपको मूवी में देखनी है। लिस्ट में नंबर 7 पर मूवी है द ग्रे। ये 2011 में आई एक एक्शन एडवेंचर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 और 83% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई गई है जॉन ऑडवे नाम के एक आदमी की जो कि अलास्का की एक ऑयल कंपनी में एक शार्प शूटर का काम करता है। ऑडवे का मुख्य काम होता है भेड़ियों को मारना क्योंकि यहाँ अलास्का में बहुत ही ज्यादा भेड़िए होते हैं और वे अक्सर यहाँ के वर्कर्स पर हमला करते रहते हैं। अलास्का एक ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। एक दिन काम खत्म करने के बाद ऑडवे और बहुत से वर्कर्स प्लेन द्वारा घर जा रहे होते हैं कि तभी बर्फीला तूफान आ जाता है और एक बर्फीले इलाके में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में ऑटवे के अलावा मात्र 7 लोग ही जिंदा बचते हैं। अब दो को डर की बात यह है कि ये सब लोग घायल हैं और ये बर्फीला इलाका खूंखार भेड़ियों से भरा पड़ा है। तो अब ऑटवे और ये 7 लोग इन बर्फीली हवाओं और खूंखार भेड़ियों के बीच कैसे सर्वाइव करेंगे ये सब आपको मूवी में देखना है। लिस्ट में नंबर 6 पर मूवी है नॉन स्टॉप। ये 2014 में आई एक एक्शन थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10 और 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। मूवी में हम कहानी देखते हैं एयर मार्शल बिल मार्क्स की जो कि न्यूयॉर्क से लंदन जाने वाली फ्लाइट पर यात्रा कर रहे होते हैं। तभी बिल के फोन में एक मैसेज आता है कि अगर बताए गए खाते में $150 million ट्रांसफर नहीं किए तो हर 20 मिनट में इस प्लेन में एक आदमी मारा जाएगा और ये मौत का सिलसिला शुरू भी हो जाता है। तो अब बिल इन सभी यात्रियों को बचाने के लिए क्या कुछ करेगा ये सब आपको मूवी में देखना है। ये मूवी आपको दिमाग घुमा कर रख देगी। आप लास्ट तक ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किलर कौन है। वो किलर इन्हीं यात्रियों के बीच है पर कौन है। इस मूवी की मिस्ट्री आपको उलझा कर रख देगी। बहुत ही जबरदस्त मूवी है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। लिस्ट में नंबर 5 पर मूवी है द फॉरेनर। ये 2017 में आई एक एक्शन थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10 और 85% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है क्वैन नाम के एक आदमी की जो कि एक रेस्टोरेंट का मालिक होता है। क्वैन की बेटी एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारी जाती है, तो अब क्वैन उन बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले बॉम्बर्स का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इन बॉम्बर्स के ग्रुप के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ होता है जिसके कारण क्वैन को इन बॉम्बर्स की कोई भी डिटेल नहीं मिल रही होती और क्वैन भी हार नहीं मानता और वह अपना सब कुछ छोड़कर इस केस के पीछे पड़ जाता है। तो अब आगे क्या कुछ होने वाला है सब आपको मूवी में देखना है। मूवी में आपको गजब के फाइटिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं।
लिस्ट में नंबर 4 पर मूवी है स्नोपियर्सर। ये 2013 में आए एक साईफाई थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 और 81% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है 2032 की, जहां एक एक्सपेरिमेंट के कारण पूरी दुनिया जम चुकी होती है, पर स्नोपियर्सर नाम की ट्रेन में सवार लोग अभी भी जिंदा होते हैं। ये ट्रेन लगातार चल रही होती है, पूरी दुनिया में घूम रही है। इस ट्रेन के अंदर हर चीज उपलब्ध है, लोग इसी के अंदर 17 सालों से जी रहे हैं, लेकिन अमीर लोग यहां शाही जिंदगी जी रहे हैं और गरीबों को पीछे की गंदगी में रखा गया है। और अब यही गरीब लोग कैसे अपने हक के लिए जंग छेड़ते हैं और क्या क्या रोमांचक चीजें होती हैं, ये सब आपको मूवी में देखना है। बहुत ही कमाल की मूवी है। इस मूवी को रोटेन टोमेटोज पर 94% की रेटिंग मिली हुई है। लिस्ट में नंबर 3 पर है वेब सीरीज ब्लड ड्राइव। ये 2017 में आई एक एक्शन कॉमेडी बेस्ड वेब सीरीज है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 और 86% गूगल यूजर्स ने इस वेब सीरीज को पसंद किया। इस वेब सीरीज का अभी तक एक ही सीजन आया और इस सीजन में टोटल 13 एपिसोड्स हैं। आप जाकर इनका आनंद ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिस्ट में नंबर 2 पर मूवी है लूपर। ये 2012 में एक साईफाई एक्शन बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10 और 82% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। इस मूवी में हम कहानी देखते हैं कि भविष्य के गुंडे माफिया लोग जिस किसी को भी मारना चाहते हैं तो वे उसे खुद नहीं मारते, बल्कि उनको टाइम ट्रेवलिंग के जरिए पास्ट में भेज दे रहे हैं और वहां पर इनके लूपर उस आदमी को मार देते हैं और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। लूपर वे लोग हैं जिन्होंने फ्यूचर से आए हुए लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट इन लूपर्स के लिए डेथ नोट के समान होता है, क्योंकि इनको ये जॉब छोड़ने के लिए अपने खुद के ही भविष्य वाले वर्जन को मारना पड़ता है। लेकिन एक लूपर अपने भविष्य वाले वर्जन को नहीं मार पाता और चीजें बिगड़ने लगती हैं। तो आगे की कहानी आपको मूवी में देखनी है। बहुत ही कमाल की टाइम ट्रेवलिंग मूवी है। लिस्ट में नंबर 1 पर मूवी है द रेड 2। ये 2014 में आई एक एक्शन क्राइम बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10 और 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। इस मूवी में हम कहानी देखते हैं रामा नाम के एक पुलिस वाले की, जो कि शहर में हो रहे अपराधों में शामिल भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर्स का पर्दाफाश करने के लिए एक कैदी बनकर अपराधियों की गैंग में शामिल हो जाता है। और अब इसके लिए रामा को किन किन खतरों से निपटना पड़ता है और रामा कैसे इन भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर्स का पर्दाफाश करेगा, ये सब कुछ आपको मूवी में देखना है। ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो के साथ एमएक्स प्लेयर पर भी हिंदी में अवेलेबल है, जिसे आप जाकर वॉच कर सकते हैं। ये आज की लिस्ट की सबसे हाई रेटिंग वाली मूवी है। तो भाई काफी मेहनत से एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल हाई रेटिंग वाली हॉलीवुड की फिल्में आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं, तो इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही लिस्ट वाले वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।